अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम आ गए हैं ये किप्सी स्पोर्ट्स एरिना। ये निश्तर कलोनी हमारे घर से काफ़ी दूर बना हुआ है। ये अंदर दो इंडोर हैं और टूर्नामेंट है इधर तकरीबन 16 या 18 टीमों का। पहला राउंड है, नॉकआउट मैच, और इसमें दो कोर्ट्स हैं। एक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, ये देख सकते हैं आप, ये लॉर्ड्स है, और एक है सिडनी। हमारा मैच जो है, ये सिडनी की लाइटें बंद हुई हैं। हमारा मैच जो सुनने में आ रहा है, वो सुनने में आ रहा है कि लॉर्ड्स में है, और ग्राउंड अच्छी बनी है और इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन हाइट थोड़ी कम है। उस लिहाज से इधर शॉट पूरा मारना पड़ेगा और लो स्कोरिंग मैच भी हो। जी फराज भाई, फराज भाई, लॉर्ड्स में हमारा मैच है पहला, और इधर चार ओवर हैं, क्या कहते हो? यार उम्मीद है कि, मुझे लग रहा है कि लो स्कोरिंग मैच होगा, क्योंकि जो कोर्ट की लेंथ है ना, काफी लेंथ ज्यादा है और हाइट उस हिसाब से नहीं है। हाइट जो है ना, हाइट पे अगर आप देखें वो रुक जाएगा। हाइट इतनी ऊपर भी नहीं है भाई। चार ओवरों में 30-35 के अंदर मैं मैच स्कोर हो सकता हूं। वो 30-35 तो बहुत ज्यादा बता रहा है भाई, अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, मेरे ख्याल से चार ओवरों में इधर हमारी जैसी बॉलिंग है, 20 से ऊपर हमें नहीं खाना, और फिर बैटिंग कर रहे हैं तो 30 ज़्यादा हम कर नहीं सकते इधर, क्योंकि स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इंडोर है, और देखते हैं। अब पहला मैच अब टॉस होने जा रहा है, आपने ब्लॉक के साथ साथ आना है। टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट दिखा रहे हैं आपको, और अल्हम्दुलिल्लाह जीत रहे हैं। 5 या 6 टूर्नामेंट हम कंसेक्टिव जीत चुके हैं, आज 7वां है, और इंशाल्लाह ये आप सबकी दुआओं से ये भी जीतेंगे और आपको एक मजे का कंटेंट दिखाएंगे। आ जाएंगे तालिब 11 वर्सेस शेरवानी 11, नाम है दूसरी टीम का। क्या तालिब पिछले टूर्नामेंट में जिधर छोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे। देखते हैं पहला बॉल, और हाइट पे बॉल था, शॉर्ट बॉल। तालिब ओवर का दूसरा बॉल फेस करेंगे, उनके बॉल बॉल शॉट से दूसरा बॉल शॉट किया, सिंगल, सबूर आ गया फेस पे, काफी गुजर आ गया हमारी में। दो बोले एक स्कोर, तीसरा बॉल फेस करेंगे और वाइट बॉल देखेंगे, हाइट का वाइट, दो दो तीसरा बॉल सबूर फेसिंग। अच्छा, ओहो थोड़ा सा बैट, थोड़ा अच्छी फील्डिंग करते हुए फील्डर। तीन बॉलें दो सैवी गुजर करेंगे, चौथा बॉल फेस, क्या सैवी बोर्ड नहीं कर सकेंगे। कैच ड्रॉप और डॉट बॉल, चार जीरो, चार बोले दो स्कोर, पांचवा बॉल पाँच दो। यहाँ पे सिंगल करना भी काफी मुश्किल है, खड़ी रही तो इंशाल्लाह वो भी स्कोर होगा। ओवर का लास्ट ओवर, शेख साहब आ रहे हैं और ये फेस करा रहे हैं तालिब 11 को, और ये बॉल और ये सीधी फील्डर के हाथों में और लग के सीधी स्कोर। डॉट बॉल, एक ओवर दो स्कोर, लो स्कोर थोड़ा सा, हाँ थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और फील्डिंग भी काफ़ी है, 8 बंदे हैं, हाँ। सिडनी की विकेट है, दूसरा ग्राउंड लॉर्ड्स है, सेकंड सिडनी की विकेट थोड़ी सी तेज, तो बैट्समैन को भी सेट होने में टाइम लग रहा है। तालिब करेंगे दूसरे ओवर का पहला बॉल फेस, उनके लेफ्ट आर्म बॉलर, बॉल किया और तालिब ने सिंगल, क्विक सिंगल, एक बोले एक। सबूर फिर से फेस पे आ गए, लेफ्ट आर्म बॉलर, राइट आर्म सबूर, और अच्छा यार क्या बात है, सबूर का बैट चल पड़ा, 2-7, दो बोले 7 स्कोर, तीसरा बॉल फेस करेंगे सबूर। अरे कोच, हाय 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 हाय, 13-13 सबूर हॉट फॉर्म में चल रहे हैं इस वक्त। चौथा बॉल फेस करेंगे और फॉल इसे, और काफी चपक रहते हुए काफी है, क्या कर ली? अच्छा चपा नहीं देखा? नहीं मैंने देखा, चलो कोई बात नहीं, देखा ही नहीं। बी आर गुड, एक्सीलेंट बैटिंग कर दी है, 2 छक्के सिंगल में, मतलब 4 छक्के, 13 स्कोर हो गया मेरे ख्याल से, 4 में 24 भी कर दिए, इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे। अच्छा 4 बॉल हो गई हैं और ये 5वां बॉल के लिए बॉलर रेडी, और ये बिल्कुल सिंगल हो सकती थी लेकिन कोई रिस्क नहीं लिया,
तो 5 बॉल 13 स्कोर और ये अब लास्ट बॉल ऑफ द ओवर और 13 स्कोर है और नकी फेसिंग पे बॉल रेडी, बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो रही है और ये अवे वाइट बॉल करा नहीं दिया, नहीं लिया, स्कोर नहीं लिया। कोशिश की थी इन्होंने एक्स्ट्रा लेने की लेकिन सेंसिबल कॉल फ्रॉम तालिब। इस ओवर में 14 स्कोर हो चुका है और पहले में 2 था तो टोटल मिला के 16 स्कोर हो चुका है आखिरी बॉल और ये अच्छा बॉल हाइट पे रेज होते हुए। लेवी 2 ओवर 16 स्कोर हो चुका है तालिब भाई, 2 में इतनी और हो गया ना तो माशाल्लाह गुड स्कोर है इंशाल्लाह। और ये तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है, तीसरा बॉलर बॉल रेडी और ये हाइट पे बॉल और ये तालिब का गुड सिक्स, पहली बॉल पे 6 रन मारा भाई ने, पीछे हट के एक बैक फुट पे छिका तालिब भाई का गुड शॉट। नेक्स्ट बॉल बॉलर रेडी फिर ये नो और ये दूसरी बॉल और अंपायर की तरफ से कोई वन अप का इशारा नहीं दिया गया तो अच्छा भी वन अप बरकरार है। तीसरा बॉल और ये छिक्का आगे से अच्छा पिक करते हुए फुल फ्रंट में तालिब का छिक्का, 3 बॉल बहुत अच्छा स्कोर हो गया। चौथा बॉल मैं यहाँ से और ये अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा और वन अप, सो 3 बॉल 2 छक्के हो चुके हैं और 1 वाइट का स्कोर मिल गया, टोटल 13 स्कोर और ये 4th बॉल और ये भी वाइट बॉल अंपायर की जानिब से और 9 बॉल कॉल कर दी गई तो फ्री हिट हो गई, 3 बॉल 14 स्कोर एंड फ्री हिट और तालिब आगे बढ़े और अंपायर की तरफ से कोई कॉल नहीं तो ये 4 बॉल कंसीडर होंगी और 14 स्कोर इस ओवर का। 5वां बॉल और ये वाइट बॉल होते हुए अच्छा लेफ्ट किया पीछे से नहीं तो रूम बनाने जा रहे थे, 4 बॉल 15 स्कोर और ये तालिब का अच्छा हेड और ये 6 स्कोर गुड हेड यार बहुत आला, वेल यार बहुत आला, 21 हो गया 5 बॉलों पे, 5 बॉलों पे 21 हो गया, 1 हिट और हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा स्कोर, बॉलर प्रेशर में है गुड। और ये हम सिडनी में आए हैं, लास्ट बॉल है और ये तालिब का आउट, रिसीव होते हुए स्लो बॉल लंबा शॉट खेलने गए और तालिब की विकेट, सो बॉलर ने अपना रिटर्न अच्छी तरीके से रिसीव किया, बाकी 7 वाला लॉर्ड्स है और ये हम सिडनी में खेल रहे हैं, सिडनी की विकेट है यार वो दे दे ये बॉल पार पता नहीं 2-3 टूर्नामेंट से क्या हो रहा है मेरे बिल्ले ही जोड़ते नहीं होते पता नहीं क्या हो रहा, बाकी स्कोर अच्छा हो गया सभी 2 ओवरों 3 ओवरों में 37 हो गया, बहुत अच्छा स्कोर है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत लंबी है, हेड जो प्रॉपर लगा वो भी छिका जाएगा नहीं तो वो बॉल नीचे रुक रहा है, हां बॉल रुक रहा है, फील्डर भी 8 है ना ये इंडोर में हम जिधर भी खेलते थे जब हिट लगेगा तो फील्डर ने कुछ नहीं करना ऊपर नहीं, वैसे बात करूं कि सिंगल मुश्किल है, सिंगल हालांकि इंडोर सिंगल वाला लेकिन इधर मुश्किल है, ओवर बहुत अच्छा था दोस्त के, हां सभी पहले ओवर में ये भी था ना कि हमें भी समझ नहीं थी सिडनी ग्राउंड की अभी की समझ नहीं आ रही, लास्ट ओवर है नो बॉल और ये चौथे ओवर की स्टार्ट, नो बॉल बैट्समैन जो है वो नो बॉल की अपील कर रहे हैं और अंपायर ने आपने पहले दी है नहीं दिया पहले दिया उन्होंने नहीं है अंपायर ने कह दिया नहीं है तो नहीं है, पहले दिया उन्होंने फिर तालिब 11 को डिसीजन मारना पड़ेगा, हम नहीं ग्राउंड छोड़ के जाएंगे, मैच अभी भी 45 स्कोर मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने अभी पूछेंगे इनसे कि इस इंडोर में अभी तक हाईएस्ट स्कोर कितना है, गुड शॉट निकल गुड रन और भी नहीं किया गुड यार शाबाश आदिल तेरा छक्के की कमी है बस शाबाश बहुत आला सेट हो गया, एक इसमें भी हो गया अभी इसकी कितनी बॉल है 1 बॉल ही है 2 बॉल है 2 बॉल नहीं है आदिल मुझे लग रहा है आदिल इसको छक्का करेगा हैं जी जी भाई हम तो मैच है यहां पेनल्टी रखता है छक्का करने के ओए रन आउट का चांस टीम के काफी दिनों बाद आए हैं तो आदिल हां थोड़ा अपना पेस अभी बख्शी भी रास्ते में है, बख्शी महाराज आजकल मेन बैट्समैन बन गए हैं, सेमीफाइनल में बिग परफॉर्मेंस दी है ये टूर्नामेंट में, बख्शी की ऐसे ऐसे ना परफॉर्मेंस ऊपर की वजह से ऊपर
चार बॉलों पर 8 स्कोर इस ओवर में हो चुका है, एक बाउंड्री और लगी तो बहुत ही अच्छा स्कोर सिद्धि लगी बक्शी अभी आए थे छुट्टी उठी दे बॉल बक्शी की बारी आना शुरू हो गई है बक्शी आंधे नाल ही मारी है लास्ट बॉल है क्या बक्शी चिका कर दे आगे कर रहा हूँ हमजा बक्सी जो के लास्ट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के हमारे मैन ऑफ द मैच थे और ये खेलते जा रहे हैं और ये लास्ट बॉल है बक्सी भाग लास्ट बॉल है नहीं है वाइड नहीं है वाइड नहीं नहीं वाइड नहीं चलो कोई नहीं आप बाहर आप बैटिंग ले ठीक है ठीक नहीं लास्ट बॉल नहीं था ओवर हो गया ओवर हो गया टारगेट वाइड बॉल खत्म हो गया टारगेट बक्शी था आखिरी वाले का अच्छा तो ये टारगेट कितने का हुआ भाई जान बता गुड टारगेट 46 रन का टारगेट है इस इंदौर के साथ से और 47 का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट है इस इंदौर के साथ से कोशिश करेंगे कि डिफेंड करें और बॉलिंग भी पूरी है बक्शी भी आ गया और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करें जईम का आज डेब्यू है तालिब की जानब से तालिब 11 की जानब से बहुत ही अच्छे बॉलर है एज अभी सिर्फ 17 ईयर्स है हार्ड बॉल के बहुत अच्छे बॉलर हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर स्टार भी हैं और खेलेंगे अंडर 19 इंशाल्लाह पहला बॉल करेंगे 46 का टारगेट है पहला बॉल जईम आदिल पीछे खड़े हैं सिडनी की विकेट थोड़ी वैसी क्विक है जईम दूसरा बॉल और अच्छा बॉल बैट्समैन का बैक नहीं आया एक बॉल एक बॉल जईम अच्छी बॉलिंग करते हुए और रन आउट का चांस ओ ओ ओ ओ ओ ओ रन आउट दो बोले दो स्कोर तीसरा बॉल जईम अच्छा बॉल रन आउट का चांस आउट तीन बोले दो आकिब का अच्छा रन आउट हाँ गोंदल आ रहा है अभी क्या हुआ याद आ रही है तीन बोले दो स्कोर और एक विकेट उनका मेन बैट्समैन आउट हो गया चार दो सिंगल करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल काम है पांचवा बॉल जईम अच्छा ओवर करते हुए और ये अच्छा बॉल क्या किया कुछ भी नहीं किया नहीं दिया अंपायर ने अंपायर वाइड है नहीं दिया अंपायर ने वाइड नहीं दिया मोस्ट सीनियर अंपायर है केज क्रिकेट के लेकिन नहीं और रन आउट का चांस फाइन एक्टिंग करते हुए तीन स्कोर एक ओवर फराज भाई आ गए हैं दूसरा ओवर करने पहला बॉल और ये हाइट का वाइड फराज भाई पहला बॉल फिर से करेंगे दूसरे ओवर का और ये सीधी बॉल गई है और ये रन आउट का चांस इजी एक बॉल एक दूसरा बॉल फराज भाई करते हुए और रन आउट नहीं हो सकी दूसरे एंड से दो दो बॉल एक हुआ है फराज भाई अच्छी लाइन है लेंथ पे बॉल करते हुए तीसरा बॉल रन आउट का चांस और ये सिंगल के लिए भाग रहे हैं सीधी बॉल कीपर के हाथों से निकल गई और बैट्समैन नेट निकल गए अल्लाह खैर करे बैट्समैन नेट से निकलते हुए कोशिश की पर निकल ना सके चार बोले दो स्कोर फराज भाई का अच्छा ओवर जारी और ये भाग गया तीसरा बॉल ये सीधी बॉल थी और ये सिंगल के लिए भाग गए और आराम से सिंगल ले लिया सिंगल ये आदिल के हाथ है ये गुनाहगार हाथ है अभी जो बॉल लग के भी में बाउंस हो गया है ये इनके डोरेमोन जैसे हाथ है तालिब 11 नेक्स्ट राउंड में जाती नजर आ रही है क्योंकि उनका दूसरा ओवर भी बहुत अच्छा जा रहा है लास्ट बॉल फराज भाई अच्छा ओवर करते हुए और ये रन आउट रन आउट सीधी थ्रो की यही बात है जी रन आउट जईम ने बहुत ही अच्छा थ्रो किया 1.5 लास्ट बॉल रहता है
40 स्कोर जो कि इस वक्त मुमकिन हो गया है एक ओवर के लिए। अच्छा बॉल और 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 नॉट आउट, अंपायर ने नॉट आउट किया है। ऑल एक्स्ट्रा है भैया, आप भाग सकते हैं भी। और ये गुज्जर के दोस्त बॉलिंग करने आ गए हैं। गुज्जर ने इनका नाम प्यार से उसामा मीर रखा है। काफी रश आप देख सकते हैं टूर्नामेंट में इस वक्त गला हुआ है। अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं भाई बैठ के। आउट हो गए हुसैन भाई, आउट हो गए। उसको लग के सीधी बॉल हाथ में गई है और अंपायर कहते हुए टीम को थोड़ा सा बाहर होते हुए क्योंकि हर डिसीजन पे एतराज कर रहे हैं। फाइन ने पहला बॉल बहुत अच्छा किया, दूसरा बॉल फाइन सरकानी। तालिब 11 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है इनका, इनका नाम भी बहुत मशहूर है। ए कितो दे ने तालिब 11 जो मैच तीसरा बॉल लगा रही है, बॉल ऊपर फंस गई है और ये दो रन है। नेट बॉल ऊपर ही रह गया, नीचे आ जाएगा ये ऊपर फंसना। दो रन बॉल फंस गई, नहीं इधर खेला भाई, इधर बाहर से करें इसको, बाहर को पुश करें। फाइन सरकानी और ये बॉलर आया और ये सीधी बॉल, अच्छा शॉट किया और तालिब ने बहुत अच्छी फील्डिंग और सीधा रन आउट, एक और बैट्समैन रन आउट हो गया। अच्छी थ्रो तालिब की बॉल लाइन पे नहीं हुआ, बॉल ऊपर रह गया। शॉट है सरकानी के, चौथा बॉल फाइन सरकानी और एक और डॉट बॉल। मैं तकरीबन डेड होता हुआ और तालिब मेरे ख्याल से कमेंट्री पैनल पे आते हुए तालिब खुद आ गए। बहुत क्राउड है जी, बहुत क्राउड है। अभी वो डबल फिगर्स ही क्रॉस नहीं कर सके, कमेंट्री भी 46 कैसे होगा। ओहो मुश्किल स्कोर है जी, वो भी कह रहे हैं 46 स्कोर करना है। दूसरा ओवर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इनके लिए, तालिब सोचना पड़ेगा कुछ और अभी तक डबल फिगर क्रॉस नहीं हुआ, देखते हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है इधर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्कोर कम होगा, इंडोर थोड़ा लो स्कोरिंग है क्योंकि लेंथ लंबी है, हाइट छोटी है और हाइट से बॉल सामने मारना थोड़ा मुश्किल होगा। लास्ट बॉल कितने बॉल हो गए हैं मार, लास्ट बॉल है जी, तीसरे ओवर की लास्ट बॉल है और 8 रन है। अब तो मुझे लगता है 36 के ऊपर चाहिए, बहुत आउट हो गया। आई थिंक इस मैच को रोक देना चाहिए, अब नहीं हो सकता स्कोर 19 दो ओवर सिडनी ग्राउंड में। और ये ओवर गुड ओवर है, रात तो जब क्या कर रहे हैं आप, इतनी भी मैच है को जब क्लास में जाएंगे ये सरप्राइज था यार। और अभी मेरे ख्याल से मैच डेड हो गया है, हमजा बख्शी आया और ये चौथा ओवर हो गया शर्मा गुड यार। ओ बॉलिंग हेड आउट था, देखना ये बच्चा अच्छा कर पाएगा, लिखवा ले बच्चा अच्छा कर पाएगा, मुझे नहीं लगता यार भाई लिखवा ले। अच्छा शेरवानी 11 अपनी पूरी कोशिश कर रही है, ये कहते हैं ये मशहूर करेगा जाया जाए स्लो क्योंकि अभी तक 8 ही स्कोर, स्लो किसको होता है कीड़ा होता है वैसे। और ये चौथा ओवर स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है ओ नो बॉल होनी चाहिए यार, ये तो फुल टॉस थी बीमर और अंपायर ने नो बॉल भी दे दी है और ये फ्री हिट हो गई। गुज्जर ने को कमाल थ्रो किया, ये तो फ्री हिट है नो बॉल। बच्ची तो एक बीमर मारने की आदत है, बच्चों को देख के ना ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है। टीमें एक एक करके कम होती जा रही हैं। हाँ जी बस दुआ करें कि खैर हो। और ये गुड बाउंसर, एक और उन्होंने ओ उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि एक अलाउ है, एक अलाउ है बॉल जो है लेग अंपायर वाइट बॉल दे रहा, एक अलाउ है तो ये इसलिए वाइट डेड हो गया जी। पहला राउंड खत्म हो गया, बहुत अजीम गुड डेड जी। किधर है आप शाहबराज, अच्छा आगाज हुआ टूर्नामेंट का भाई, 30 यहाँ पे। हाँ मैं मेरा ही कहना 30 रन इधर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये हम काट लेंगे अगर हमें 30 स्कोर चेज हो गया, हम काट लेंगे मैच स्टार्ट होगा जी जल्दी दे मुझे क्या है जल्दी क्या मुझे दे। हुसैन साहब ने 3 छक्के मार के 39 पे विनिंग स्कोर पे ले गए हैं और ये मैन ऑफ द मैच जी तालिब साहब को दिया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक जी आपको नेक्स्ट राउंड के लिए, आपकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने डबल फिगर्स में नहीं जाने दिया शेरवानी इलेवन को, क्लैपिंग इनके लिए बहुत अलग क्लैपिंग, इसी तरह खेलते रहे और टूर्नामेंट में आगे बढ़ते रहे और अपनी बारी का वेट करें थोड़ा सा। नेक्स्ट राउंड जल्दी के टूर्नामेंट होना चाहिए, बहुत होता है लाइन अप जाने वाला नहीं है, ये फाइनल तक इधर ही रहेगा, बहुत मजा आने वाला आज के टूर्नामेंट। सिडनी की लाइव बंद करें, चैनल सब्सक्राइब किया तो लाजमी कर।